कर्ज माफी के सहारे छत्तीसगढ़ की सत्ता में 15 साल बाद लौटी कांग्रेस किसानों को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखना चाहती है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को पहली बार प्रदेश के दौरे पर पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। यहां राहुल ने किसान आभार सम्मेलन को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 2019 चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी हर गरीब व्यक्ति को गारंटी के तौर पर न्यूनतम आमदनी देगी, ये हमारा वादा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सोमवार को हिमाचल प्रदेश के ऊना में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान शाह ने कहा, मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन पर अपने वादे को एक साल में ही पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को OROP दिया, कांग्रेस ने भी OROP दिया, लेकिन उन्होंने ये ओनली राहुल ओनली प्रियंका को दिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैसूर में सिद्धारमैया सार्वजनिक बैठक कर रहे हैं। इस दौरान एक महिला उनसे शिकायत करके कुछ कह रही है। सिद्धारमैया उसे बार बार बैठने को और चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान सिद्धारमैया अपना आपा खो बैठे और महिला से माइक छीनते हुए नजर आए। माइक छीनने के दौरान महिला का दुपट्टा नीचे गिरने लगा। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सोमवार को महाराष्ट्र में शिवसेना की बैठक हुई। बैठक में साफ संकेत निकलकर सामने आए कि शिवसेना अपनी बात से पीछे हटने को राजी नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में शिवसेना ही बड़े भाई का रोल अदा करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 50-50 फॉर्मूला मंजूर नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के साथ छुट्टी मनाने गोवा पहुंचे। रविवार को दोनों दक्षिण गोवा के चर्चित फिशरमैन्स वॉफ्स रेस्टोरेंट में लंच करते हुए नजर आए। दोनों को देखते ही सैलानियों ने सेल्फी के लिए घेर लिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सोमवार को एयरफोर्स का जगुआर विमान क्रैश हो गया। यहां के हेतिमपुर गांव में खेत में विमान गिर गया, इसके बाद इसमें आग लग गई। हालांकि विमान के पायलट ने पैराशूट की मदद से अपनी जान बचा ली। साउथ फिलीपींस के एक द्वीप में चर्च को निशाना बनाकर किए गए दो बम विस्फोटों में 17 लोगों की मौत हो गई। यह इलाका इस्लामी आतंकियों का गढ़ माना जाता है और कुछ दिन पहले ही क्षेत्र के मतदाताओं ने स्वायत्त मुस्लिम क्षेत्र के हक में मतदान किया था। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी के बाद ज्यादातर जगहों पर सोमवार को आसमान साफ रहा। इससे सर्द हवाओं का असर बढ़ गया है, पारा और नीचे आ गया। कश्मीर में लद्दाख का द्रास देश में सबसे सर्द स्थान रहा। यहां सोमवार को तापमान -31.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। माउंट गनुई में खेले गए तीसरे वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 वनडे की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल की। टीम इंडिया न्यूजीलैंड में 10 साल बाद वनडे सीरीज जीती है। और अब बात करेंगे शेयर मार्केट की। कंपनियों के खराब तिमाही नतीजों के कारण सोमवार को बाजार में छाई बिकवाली से बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का BSE 368 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 35,656 अंकों पर बंद हुआ। BSE मिड कैप 270 और स्मॉल कैप 278 अंकों की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ।